अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेह जंग एंड आई वेलकम यू ऑल इनटू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। डियर कैडेट्स, एज यू नो दैट वी कंटिन्यू टू लिव वर्क एंड लर्न इन अनसर्टेन टाइम्स एंड आई एम हेयर टू शेयर विद यू दैट व्हाई योर लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ कैडेट कॉलेज फतेह जंग इज हेयर टू सपोर्ट यू इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। Most of you have been making the switch to learning remotely and I know it's been quite an adjustment. It's what we can do under the circumstances and it remains an important way for you to prepare for your future. You know, we don't live under perfect circumstances, but we can still get the education that we need. We don't get to choose the time we live in, but we do get to choose how we respond. And at Cadet College Fateh Jung, the way we do things together, you have our support, you have services online, you have your instructors offering support to you online in Google Classroom and on WhatsApp for any of many frequent questions students ask. So in closing, I want to say your education is important to you and we are here to support you to complete it. Dear student, these are difficult times, but the times you can still succeed and prepare for your future. Thank you. डियर कैडेट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फिजिक्स फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर जो कि है मेजरमेंट से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताता चलूं कि मेरा लेक्चर जो है उसमें हम सबसे पहले टॉपिक को कवर किया करेंगे। टॉपिक को कवर करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जिसके आपने अपने पास नोट्स प्रिपेयर करने होंगे और उन्हीं नोट से रिलेटेड और उन्हीं क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दी जाएगी जो कि गूगल क्लासरूम के अंदर आपने मुझे रिटर्न करनी होगी ड्यू टाइम के अंदर, जो टाइम आपको दिया जाएगा उसके अंदर। तो डियर कैडेट्स, हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि रिलेटेड है फिजिक्स कैसे मर्ज वजूद में आई और फिजिक की इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक का स्टार्ट कैसे हुआ। डियर कैडेट्स, जब से इंसान पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जब उसने मुशाहिदा शुरू किया अपने इर्द गिर्द की दुनिया का, तो उसने कुछ ऐसे निज़ाम देखे जो तरतीब से थे और कुछ ऐसे देखे जो बेतरतीबे थे। फिर इंसान ने कोशिश की कि उन तमाम उस निज़ाम को, सारे फिनोमेना को, सारे प्रोसेस को एक तरतीब से स्टडी करे। जब उसने उस तरतीब से उनको पढ़ना शुरू किया, उनका मुशाहिदा शुरू किया, तो जो पहली आपके पास चीज़ बनी वो थी साइंस। तो साइंस है ही मुशाहदे और तजर्बे का इल्म। तो जो सबसे पहले आपके पास ब्रांच मर्ज वजूद में आई साइंस की, उसे हमने नाम दिया नेचुरल फिलासफी का। नेचुरल फिलासफी को फिर मजीद आगे चल के हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दो बड़ी साइंसेज में, ब्रांच ऑफ साइंसेज में तकसीम किया। एक को हमने बायोलॉजिकल साइंस कह दिया, दूसरी को हमने फिजिकल साइंस का नाम दिया। जैसा कि बात हो रही थी कि जो सबसे पहले हमारे पास साइंस थी वह उसको हमने नाम दिया नेचुरल फिलासफी का। और जब हमारे पास मजीद तहकीकात होना शुरू हुई तो हमें पता चला कि ये नेचुरल फिलासफी के आगे मजीद दो हिस्से हैं। हमने इसे दो हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। तो हमारे पास जो दो मेन ब्रांचेज आई उसमें बायोलॉजिकल साइंस आ गई और हमारे पास आ गई फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास बॉटनी और जूलॉजी है, जबकि फिजिकल साइंस में आपके पास केमिस्ट्री आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, जियोलॉजी और इस तरह के बहुत सारे आगे डिसिप्लिन आ जाते हैं। डियर कैडेट्स, फिजिक की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। हम चलते फिरते जहां देखें, घरों में देखें, तो हमें हर तरफ फिजिक की इंपॉर्टेंस नजर आती है। हमारे पास कंप्यूटर की छोटी सी चिप, छोटा सा सर्किट से लेके बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े स्पेसशिप, ये सारे के सारे फिजिक के महूने में आते हैं। हमारे पास घरों में चलने वाले छोटी छोटी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हों, चाहे हमारी गाड़ियां हों, जो चीज भी हो वो फिजिक्स से ही रिलेटेड है। डियर कैडेट्स, फिजिक की इंपॉर्टेंस जितनी ज्यादा है उतना ही इसको समझना आसान है और मजीद ज्यादा आसान कर दिया जाएगा आपके लिए। डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस के। एक हमारे पास बुनियादी साइंस की तीन हदें हमने पढ़नी है। तो फ्रंटियर आपके पास सरहद को कहते हैं, फंडामेंटल साइंस बुनियादी साइंस। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बुनियादी साइंस की तीन हदूद हैं। एक सबसे पहले ये हमारे पास कवर करती है बहुत बड़ी चीज़ों को, वर्ल्ड ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये साइंस जो है हमारे पास बुनियादी साइंस जो मिडल साइज ऑब्जेक्ट हैं उनको कवर करती है, और उसके बाद हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। अगर हम देखें हमारे पास जो बड़ी चीजें हैं उसमें यूनिवर्स है। अगर मिडल साइज ऑब्जेक्ट देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक
ये सारी चीजें हमारे पास मिडल। जबकि स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड है। 19वीं सदी के आखिर तक तमाम जो फिजिस्ट थे उनकी ये सोच थी कि फिज़िक्स के बारे में हर चीज़ डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में उन्हें अंदाज़ा हुआ जब तजर्बात किए, मुख्तलिफ कानून बनाए कि ऐसा नहीं है। तो फिर बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन हमारे पास मर्ज वजूद में आए, जैसा कि न्यूक्लियर फिज़िक्स जो एटॉमिक न्यूक्लियाई से डील करता है, और इसी तरीके से हमारे पास कुछ और डिसिप्लिन जो हैं वो मर्ज वजूद में आते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, मैंने सारे अंडरलाइन कर दिए। फिर हमने फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस को दूसरों के साथ जोड़ दिया, ओवरलैप कर दिया, तो हमारे पास कुछ नई फील्ड आई जैसे कि फिज़िकल केमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, हेल्थ फिज़िक्स वगैरह। तो इस तरीके से कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बनी, कुछ डिसिप्लिनरी ब्रांचेस बनी। तो ये मैंने आगे नोट्स की शक्ल में आपको सारा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। वी आर लिविंग, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में ज़िंदा हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स बन के, बहुत ही बड़ी फोर्स बन के हमारे सामने आई है। डियर कैडेट्स, हमने स्टडी करना है डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो अगर हम देखें कि डिसिप्लिनरी एरिया हमारे पास प्योर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स होती हैं, जैसा कि मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड वगैरह, और सारी जो आपके पास टेबल में दी गई हैं साइड में। और इंटरडिसिप्लिनरी आपके पास वो होती हैं, दीज आर ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, लेकिन ये दूसरी फील्ड के साथ लिंक होती हैं, जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी के साथ फिज़िक्स, बायोलॉजी और फिज़िक्स मिल जाएँ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स मिल जाएँ, तो केमिकल फिज़िक्स। तो इस तरीके से तो कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट जो फिज़िक्स की टाइप आपके पास दी गई हैं उनमें आपके पास न्यूक्लियर फिज़िक है, सॉलिड स्टेट, पार्टिकल फिज़िक्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। तो ये जो आपके पास फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं इनको मैंने नोट्स की शक्ल दे के आपके पास जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। देर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, सम ऑफ ब्रांचेज आर एज फॉलो। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिज़िक्स, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स में आप क्या करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द एलिमेंट्री पार्टिकल अल्टीमेट, बहुत ही जो छोटे ज़र्रात होते हैं, एटम और एटम से छोटे, आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उससे भी छोटे फर्दर चले जाएँ, तो उसको स्टडी करते हैं आप पार्टिकल फिज़िक्स में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट हुज स्पीड इज अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक में आप उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जिन चीज़ों की स्पीड जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। मैकेनिक्स तो हम अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक इज स्टडी ऑफ मोशन, तो रिलेटिविस्टिक मीन रिलेट करते हैं। तो कौन क्या रिलेट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करते हैं कि जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है तो आपके पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक। अब साथ ही एक क्वेश्चन दिया गया है, मैस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेंड फ्रॉम 1 kg मैस, 1 kg मैस से कितनी एनर्जी मिल सकती है। तो E इज़ इक्वल टू mc² इक्वेशन को इस्तेमाल करें, E में m ऑफ 1 पुट करें, c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, उसका स्क्वेयर लें तो आपके पास 9 × 10⁙ जाउल्स। और उसके बाद व्हाट इज़ लाइट ईयर, लाइट ईयर आपके पास वो फासला होता है जो रोशनी एक साल में कवर करती है, और ये कितना कवर करती है, 9.5 × 10⁵ मीटर। उसके बाद हमारे पास अगर हम बुक में देखें तो फिज़िक्स का क्या रोल है हमारे पास, तो फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन और ग्लोबल विलेज की बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क इसमें इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो सिलिकॉन चिप से कंप्यूटर बना होता है नेटवर्क, और सिलिकॉन जो है वो हमें सैंड से मिलती है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा फिर आगे हमारे पास आएगा फिज़िकल क्वान्टिटीज़। डियर कैरियर्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है वो है फिज़िकल क्वान्टिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास जो भी जिनकी पैमाइश की जा सके, हर वो मिकदार जिसको हम पैमाइश कर सकें, माप सकें, वो हमारे पास डियर कैरेट्स फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी तो डियर कैरेट्स हमारे पास जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज हर वो मकदार जिसकी पैमाइश की जा सके, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेस क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. पहली जो हमारे पास है वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, और बेस क्वांटिटीज के साथ साथ हमारे पास दूसरी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं. अगर हम बात करें कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज बुनियादी मकदारें, बुनियादी मकदारें वो मकदारें होती हैं जो किसी और क्वांटिटी से ना निकाली जाए. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये मिसाल देता हूं और आपको भी यही बताऊंगा, ये वो मकदारें होती हैं जो कायनात के साथ पहले से मौजूद थी. लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, ये वो सारी चीजें थी. इंसान आया जमीन पे, जमीन में जब पहुंचा, सफर तय किया, तो पता नहीं था किलोमीटर कितने कवर किए, लेकिन ये पता था कि थकावट हुई है इतना. सुबह से चला हूं, शाम हो गई, सूरज निकला, गुरूब हो गया, टाइम का अंदाजा था, सेकेंड्स और आवर्स का नहीं था पता. उसके बाद आपको गर्मी महसूस हुई जब आप आग के करीब गए. टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपको महसूस हुआ, लेकिन आपको डिग्री, फारेनहाइट, इन चीजों का, केल्विन का नहीं था पता. तो ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो आपके पास बेसिक हैं, जो बुनियादी हैं. इनको बुनियाद बना के जो क्वांटिटीज निकाली जाती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज. तो डिराइव क्वांटिटीज आर डिराइव्ड, ये निकाली जाती हैं, माखूज की जाती हैं, अखज की जाती हैं, किस में से, फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, इन्हें बेस क्वांटिटी से निकाला जाता है. तो ये आपके पास कुछ आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं सात, और उसी तरह आपके पास पांच डिराइव क्वांटिटीज हैं डियर कैडेट्स. लेकिन इन क्वांटिटीज को मजीद आगे डिटेल में स्टडी करने से पहले हम जो है वो एक स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं कि इन क्वांटिटीज को मापने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, कैसे स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है. डियर कैडेट्स, जब भी हमें बेस क्वांटिटी को मेजर करना होता है, किसी किस्म की भी बेस क्वांटिटीज को, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, किसी को भी, तो हमें दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस स्टैंडर्ड को चूज करेंगे और इस चीज की पैमाइश करेंगे. मिसाल के तौर पे हमने लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड मीटर होता है हमारे पास, तो लेंथ को मीटर से मेजर कर सकते हैं, केजी, किलोग्राम से मेजर नहीं कर सकते. अब हमने किसी चीज का मैस मालूम करना है, तो वहां पे मीटर राड काम नहीं आएगा, वहां पे हमारे पास केजी का जो पत्थर है वो काम आएगा. तो हमने चूज करना होता है एक स्टैंडर्ड, एक खास स्टैंडर्ड को चूज करना है. उसके बाद फिर एस्टैब्लिश अ मेजरिंग प्रोसीजर, फिर एक तरीका कार बनाना है हमने कि ये लेंथ मेजर करनी है तो इस तरीके से मेजर होगी. अब जिस तरीके से हम लेंथ को मेजर करते हैं, उस तरीके से आप मैस, टाइम, टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते. तो हर बेस क्वांटिटी को मापने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, किसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए कि इसका तरीका क्या है. अब एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर क्या खसूसियात हो सकती हैं वो हम देखते हैं. तो डियर कैरेट्स, हमने बात की कि बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है. तो हमें एक स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए और एक तरीकाकार पता होना चाहिए. लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है उसकी क्या खसूसियात हो सकती हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले इट इज एक्सेसिबल, ये आसानी से मुहैया हो, आसानी से मिल जाए मार्केट से. आपको लेंथ मेजर करनी है, मीटर राड की जरूरत है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है. तो एक ऐसा स्टैंडर्ड आपको चूज करना होता है जो आसानी से मिल जाए. दूसरी चीज, इट इज इनवेरिएबल, जो तब्दील ना हो. ये ना हो कि पिशावर में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो पिशावर में मेजरमेंट और आए, आप ठंडे इलाके में मरी में चले जाएं, वहां पे वो सुकड़ जाए, गर्मी वाली जगह पे जाएं, सिब्बी, जैकबाबाद चले जाएं, वहां वो एक्सपेंड कर जाए. तो ऐसा स्टैंडर्ड अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता. तो हमें अच्छा स्टैंडर्ड कौन सा होता है, इट इज एक्सेसिबल, जो आसानी से मुहैया हो. इट इज इनवेरिएबल, जो तब्दील ना हो. वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होना, इनवेरिएबल का मतलब होता है जो तब्दील ना हो. तो एक अच्छा स्टैंडर्ड हमारे पास वो स्टैंडर्ड होता है जो हमारे पास तब्दील ना हो. डियर कैरेट्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, और सिस्टम इंटरनेशनल में फिर हमारे पास जो बेस और डिराइव क्वांटिटीज हैं हम उनको सॉल्व करके देखेंगे. डियर कैरेट्स, इंटरनेशनली जब भी बिजनेस करना पड़ता था लोगों को, तो जो मुश्किलात आती थी वो स्टैंडर्ड एक जैसे नहीं होते थे. कहीं पे लेंथ का जो मीटर था वो और था, कहीं पे उसकी मेजरमेंट्स और थी. तो वो जो एक प्रॉब्लम फेस करते थे लोग, जो बिजनेस कम्युनिटी को एक प्रॉब्लम आता था, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट इकट्ठे बैठे और उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बना दिए कि जो मीटर होगा पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होगा, जो टाइम होगा वो सेकंड पूरी दुनिया में यही होगा, इसी तरह किलोग्राम, इसी तरीके से टेम्परेचर. तो 1960 में डिफरेंट आपके पास जो है वो कॉन्फ्रेंसेज होती रही. तो 11th कॉन्फ्रेंस जो जिनेवा पेरिस में हुई, उसमें 1960 में जाके बहुत सारे साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
वो इस चीज पे मुत्तफिक हो गए कि एक कुछ यूनिट्स पे बेस क्वांटिटीज के और डिराइव क्वांटिटीज के उनकी मेजरमेंट्स के लिए उन्होंने कोई यूनिट्स मुख्तस कर दिए। तो वो यूनिट है हमारे पास बेस यूनिट, डिराइव यूनिट। बेस मैंने आपको बताया ये बुनियादी मिकदारों के यूनिट है, डिराइव क्वांटिटीज के डिराइव यूनिट्स हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ना बेस में फॉल करती हैं ना डिराइव में फॉल करती हैं, तो उसके लिए उन्होंने फिर सप्लीमेंट्री यूनिट नाम दिया। सप्लीमेंट्री वो चीज होती है जो ना एक हिस्से में फॉल कर रही हो ना दूसरे हिस्से में फॉल कर रही हो। जैसे किसी भी पेपर में सप्ली आ जाना कि फलां के फलां पेपर निकल गए एक रह गया, इसी तरीके से वो यूनिट जो ना बेस में आ सके ना डिराइव में आ सके उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। डियर कैडेट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास तीन किस्म के यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स हैं, डिराइव यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे बेस यूनिट और डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेस यूनिट्स को। हमने बेस यूनिट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ अगर देखें तो आपके पास जो है वो पैरी मिकदार है और इसका ऐसा यूनिट मीटर, जबकि सिंबल इसका स्मॉल एम होता है। इसी तरह मास का केजी किलोग्राम, टेबल 1.1 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनेमिक, अब एम्पेयर। एम्पेयर चूंकि यूनिट में इस्तेमाल हो रहा है तो यूनिट में जब नाम किसी भी साइंटिस्ट का इस्तेमाल हो तो उसका जो पहला अल्फाबेट होता है वो स्मॉल होता है, जबकि सिंबल में आप बेशक कैपिटल यूज कर सकते हैं। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, केल्विन, लॉर्ड केल्विन साइंटिस्ट था, फिजिस्ट था, लेकिन जब यूनिट में उसका नाम आएगा तो के स्मॉल होगा जबकि सिंबल में के कैपिटल। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को कि रोशनी की कितनी शिद्दत है, तो वो आपके पास कैंडेला सी डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एम ओ एल इसका आपके पास सिंबल होता है। तो डियर कैडेट्स अब हम मूव करते हैं अपने डिराइव यूनिट्स की तरफ। डियर कैडेट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एम का यूनिट आपके पास बेस किलोग्राम, जबकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और न्यूटन भी कहते हैं आप फोर्स की यूनिट को, और इसका सिंबल एन कैपिटल होता है। उसके बाद डियर कैडेट्स हमारे पास वर्क, वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट एस, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा। फोर्स हम पढ़ चुके हैं न्यूटन, एस आपके पास चूंकि डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस का होता है मीटर, न्यूटन मीटर, या अगर आप फोर्स का यूनिट लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और साथ मीटर, मीटर और मीटर आपस में मिलकर मीटर स्क्वेयर बना देते हैं। डियर कैडेट्स इसके बाद पावर अगर आप देखें तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन आपके पास एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस ऊपर ही हमने निकाला, वो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर और टाइम का सेकंड है। अब ये सेकंड जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद डियर कैरेट्स हमारे पास प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आपके पास एफ डिवाइडेड बाई ए, फोर्स हमने ऑलरेडी मालूम कर रखी है सबसे पहले यूनिट में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। एरिया हमारे पास चूंकि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, लेंथ भी आपके पास मेजर की जाती है मीटर से और विड्थ को भी मापा जाता है मीटर से, तो हम आपके पास ये बन गया मीटर स्क्वेयर। ये मीटर स्क्वेयर जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस टू हो जाएगी, प्लस वन माइनस टू आपके पास माइनस वन बन जाएगा और किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कहलाएगा। डियर कैडेट्स हमारे पास जो लास्ट यूनिट है डिराइव, वो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है सी और ये फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। आई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ए एस। तो डियर कैडेट्स ये थे हमारे पास यूनिट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने बेस पढ़ लिए, डिराइव पढ़ लिए, अब इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी वीक में उसमें हम स्टडी करेंगे। डियर कैडेट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले नेचुरल फिलॉसफी के बारे में स्टडी किया, फिर हमने मेन ब्रांचेस पढ़ी, फ्रंटियर फंडामेंटल साइंसेस की कौन कौन से तीन हिस्से होते हैं वो पढ़े, उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी किया और उसके साथ साथ फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया, सिस्टम इंटरनेशनल को स्टडी किया, यूनिट्स देखे क्या चीज होती है, यूनिट्स को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हमें जरूरत पड़ते हैं उनके बारे में हमने देखा कि अच्छे स्टैंडर्ड की क्या खासियत होती है, और उसके साथ साथ डियर कैडेट्स हमने बेस यूनिट और डिराइव यूनिट को स्टडी किया। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है वो मैंने उसका हेल्पिंग मटेरियल भी आपके पास आ जाएगा गूगल क्लासरूम में, और वैसे भी मैं आपको जो उससे हेल्पिंग मटेरियल था वो आपको बना के दिखाता रहा साथ साथ लेक्चर के अंदर आपको स्क्रीन पे नजर आता रहा। उसके अलावा भी डियर कैडेट्स आपको असाइनमेंट की शक्ल में
कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो आपने डेफिनेशन की सूरत में अपनी कॉपीज में खूबसूरत से लिखने हैं और फिर गूगल क्लासरूम में मुझे वापस ड्यू टाइम के अंदर सबमिट कर देने हैं ताकि मैं उनको चेक कर सकूं और जो भी दुरुस्तगी हो वो मैं आपको बता सकूं। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज। डियर कैडेट्स, चूंकि ये हमारा फिज़िक्स का पहला लेक्चर है तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे कुछ नोट्स दिखा दूं कि हम किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जैक्टली इसी तरीके से इन्हीं नोट्स को सामने रखते हुए और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने बुक में भी आपको स्टडी कराया। सबसे पहले नेचुरल फ़िलासफ़ी बताई, फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी में आपको बताया कि कौन सी दो मेन ब्रांचेज हैं हमारे पास साइंसेज की, फिर उन दो ब्रांचेस के बाद हमने फिज़िक्स को स्टडी किया, मेन फ्रंटियर ऑफ साइंसेस स्टडी किया, फिर एरिया ऑफ फिज़िक्स में हमने डिसिप्लिन और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को स्टडी किया, फिर जो मेन ब्रांचेस हैं हमारे पास फिज़िक्स की उनको स्टडी किया और उसके साथ साथ फिज़िक क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में वो हमने देखा, फिज़िक क्या रोल प्ले करती है ये चीज़ें हमने देखी। उसके अलावा फिर फिज़िकल क्वान्टिटीज़ को हमने पढ़ा कि कौन सी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, फिर उनकी टाइप्स को हमने स्टडी किया, बेस और डिराइव दो टाइप्स थी हमारे पास। फिर हमने देखा कि बेस क्वांटिटी को जब मेजर करना पड़ता है तो हमें किस किस्म का स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हमने देखा कि मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें स्टैंडर्ड और प्रोसीजर, फिर एक अच्छा स्टैंडर्ड क्या होता है और कैसा होना चाहिए इस चीज़ को हमने स्टडी किया। इसके बाद हमने फिर ये देखा कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल क्या चीज़ है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का सिस्टम है और फिर वो किन यूनिट्स को कवर करता है और किन को नहीं कवर करता, जिनको नहीं करता उनको क्या नाम दिया गया और जिनको कवर करता है उनको क्या नाम दिया गया, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। फिर हमें पता चला कि बेस यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, तो सप्लीमेंट्री यूनिट हमने स्टडी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आज बेस और डिराइव यूनिट्स को टच किया। सप्लीमेंट्री यूनिट हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, तो ये आपको मैंने एक सैंपल बता दिया, इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं और इसी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी मिलेगी। थैंक यू।